गाड़ी को, मतलब 5 सेकंड के लिए गाड़ी भाई 200-250 की स्पीड पहुंच जाती है। अब देखो जो क्या बोलते हैं, जॉर्जो पूल में जो ड्रैगन स्पॉन होता है उसकी जगह है ये। अब यहाँ पर देखो अभी भी 23-22 सेकंड है। अब इसमें सबसे कमाल की चीज़ ये है कि पूरे सर्वर में जिसने सबसे पहले ड्रैगन को स्पॉन करा दिया, ड्रैगन सिर्फ वहीं स्पॉन होगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक टाइम पे आपने यहाँ, एक टाइम यासना में या पोचिंग की में, नहीं, अगर मैंने यहाँ पर जल्दी से किया तो सिर्फ यहीं पर होगा। और ये देखो यहाँ पर मैं जल्दी से सारी की सारी ड्रैगन बॉल्स को रख देता हूँ एंड बूम गाइज, अब यहाँ पर देखो ड्रैगन स्पॉन हो गया है, आसपास का माहौल पूरा चेंज हो गया है। तो गाइज ये न्यू मोड के बारे में अगर आपको लोग सुन के पूरी इन्फॉर्मेशन देख के मजा आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करना। चैनल पहली बार है तो मे बी शायद स्क्वाड में खेल रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर देखो लेवल 3 वाले आइटम तो मिलते ही हैं, साथ में मिलती हैं हम लोगों को एक पोटरी सी मिलती है, ठीक है, उसका एग्जैक्टली नाम आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, बीन वगैरह करके कुछ। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप लोग नीचे देख रहे हो जहाँ मेरा हेल्थ बार या बूस्ट बार के पास एक ब्लू कलर की लाइन है, उससे हमारी जो स्ट्रेंथ की जो ड्यूरेशन है वो बढ़ जाती है। अब ये ड्यूरेशन क्या है आपको थोड़ा आगे चल के समझ में आएगा, बट फिलहाल देखो यहाँ पर मैं अभी येलो कॉइन आप लोगों को दिख रहा है मेरे पास में, इस येलो कॉइन से ये एबिलिटी है जिससे मैं उड़ सकता हूँ हवा में। अब ये देखिए जैसे मैं हवा में उड़ूंगा तो आप लोगों को ब्लू कलर की लाइन दिख रही है वो कम हो रही है, तो बस जितनी देर वो ब्लू कलर की लाइन रहेगी उतनी देर में ऊपर हवा में उड़ पाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे अब ये खत्म हो जाएगी मैं तुरंत नीचे गिर जाऊंगा, और साथ ही मैं आप लोगों को एक फायर जैसा आइकन दिख रहा होगा उसमें बीम छोड़ सकता हूं, तो मैं अभी आपको सब करके दिखाऊंगा। और यहां पर मेरे टीममेट से दोबारा से ड्रैगन को स्पॉन करा दिया और हम इससे दोबारा से विश मांगने वाले हैं, और इस बार हम लोग इससे मांग रहे हैं स्ट्रेंथन की। अब इससे क्या होता है कि इससे हमारी जो स्ट्रेंथ है वो 100 की जगह 200 हो जाएगी। नीचे देखो अभी जहां पर मेरा हेल्थ बूस्ट बार है उसके पास देखो अभी 200 आ गया है, इससे पहले 100 था। तो बस अब देखो हमने यहाँ पर पूरी पावर वगैरह सब यूज़ कर लिया, अब हम बंदों को कैसे मारेंगे भाई ये ज़रूर देखना। तो इसके लिए हम लोग चलने वाले हैं बंदों के पास में, और भाई ये सबसे बेस्ट गाड़ी मुझे लगती है यहाँ पर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपार्टमेंट, और गाइस फाइट देखना, आपको सब लोग सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ब्लू कलर की लाइन है वो धीरे धीरे कम हो रही है, तो बस जितनी देर वो लाइन रहेगी उतनी देरी मैं यहाँ पर उड़ सकता, पर मैं देखो बूस्ट भी कर सकता हूँ उड़ते समय, ये देखो। लेकिन उससे जो मेरा जो वो ब्लू लाइन है वो जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी, और यहाँ देखिए भाई बीम छोड़ के मैं इस बंदे को कर देता हूँ नॉक। भाई ये चीज सबसे बेस्ट है, तो आई थिंक आप लोगों को अब तक समझ में आ गया है कि इस गेम को खेलना कैसे। देखो उड़ना है, बीम यूज करनी है, बूस्ट वगैरह यूज करना है थोड़ा तेजी के उड़ने के लिए, दैट्स इट। बस इसको थोड़ा समझने में अभी टाइम लगेगा। और देखो बीम मारने के लिए ना आपके पास में ब्लू कलर का कॉइन होना चाहिए जो कि मेरे बैग में ऑलरेडी रखा हुआ है। खैर यहाँ पर देखो मेरी टीम रश कर देती है, मैं भाई बीम का यूज करके मारता हूँ। मैंने देखो एक बंदे को नॉक किया, दूसरा बंदा दिखा, फिर से बीम एक्टिवेट करता हूँ भाई साहब, दूसरा बंदा भी नॉक एंड जी के साथ मैं पूरा एक यहाँ पे क्लच कंप्लीट हो गया। तो गाइस अगर मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।